हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल्स दिख रहा होगा, थंबनेल में क्या लिखा है? फंडामेंटल शेयर का मीन्स यस बैंक का इंप्रूव हो चुका है लगभग, शेयर प्राइस कब इंप्रूव होगा? तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक है। अब उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारी इसमें फंडामेंटल इंप्रूव हुआ है, तो अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो उसके बारे में सपोर्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल क्यों इंप्रूव हुआ है, क्यों मैं कह सकता हूं, ये कोई भी क्यों कह सकता है इसका फंडामेंटल इंप्रूव हुआ है। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, इससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे, राइट। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हुई है दोस्तों इसमें, जैसे एक एक करके मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताता जाऊंगा कि यस बैंक फंडामेंटल इंप्रूव्ड, राइट। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि की ऑब्स्टिकल रिमूव्ड विद द यस बैंक एक्सिस ग्रीन सिग्नल। बहुत सारी चीजें, देखिए, रिलायंस कैपिटल एसेट सेल, राइट। तो आपको मालूम होगा कि इनका एनपीए फॉर्मेशन में रिलायंस के शेयरों का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे आरकॉम हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गया। तो ये देखिए, ये न्यूज है कि टू बैंक्स आर ज्वाइंटली ओन्ड 1575 करोड़ एंड है ऑब्जेक्टेड टू सेल्स अनलेस देयर ड्यूज आर पेड, राइट। सो दोस्तों, इसमें क्या है कि एक्सिस बैंक और यस बैंक दोनों का जो है 1575 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ था इन्होंने। तो यस बैंक क्या था कि उनका रिलायंस का असेट सेल करना चाहता था, लेकिन एक्सिस बैंक को इसमें आपत्ति थी। अभी जो है ग्रीन सिग्नल आ गया, तो ये भी पैसा आने वाला है, राइट। और देखिए, इसमें ये सब चीजें देखिए, बिजनेस इंडिया पब्लिकेशन के 47.83 शेयर इन्होंने जो है एक इम्प्रूव कर लिए हैं, राइट, एक्वायर कर लिए भी पैसा। तो फंडामेंटल के लिए एक हर एक चीजें पॉजिटिव, अब छोटी छोटी चीजें ही पॉजिटिव ऐड करेंगी तभी तो फंडामेंटल इंप्रूव होगा ना। अब देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी में देखिए, इनको लोन के लिए देखिए, यस बैंक कॉल एंड प्रीपेड कार्ड्स, कार्ड्स के लिए इन्होंने नई टेक्नोलॉजी हायर की है, और उस हिसाब से जो है यस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड हो, ये डेबिट कार्ड जो भी है, वो बिजनेस भी आगे चल रहा है, राइट। अब ये देखिए, रिलायंस शिफ्ट का, रिलायंस इंफ्रा का हेडक्वार्टर वाला बिजनेस था, ये भी क्या है कि जो एनपीए हुआ था रिलायंस इंफ्रा का, उसमें से कुछ पैसा 1300-1400 करोड़ रुपए का इनका पूरा हेडक्वार्टर ही ले लिया यस बैंक ने, अपने नाम कर लिया, क्योंकि उनको पैसा देना था, उनके पास पैसा भी नहीं था, इनको बिल्डिंग चाहिए थी अपने ऑफिस के लिए, इनके पास बिल्डिंग नहीं थी, राइट। क्योंकि ये जो है 100-100 करोड़ रुपए हर महीने रेंट दे रहे थे, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स की बिल्डिंग थी। सो दोस्तों, यस बैंक इसमें भी एक चीज अच्छा किया, राइट। ऐसे ऐसे करके दोस्तों, अब आगे देखिए, रामदेव अग्रवाल जी का पूरा एक, जो हेड ऑफ मोतीलाल ओसवाल की इक्विटी फंड के हेड हैं, उन्होंने बोला हुआ था, इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाई अनब्रोकन फ्रेंचाइजेस एट द ब्रोकन प्राइस, राइट। मींस जो फंडामेंटल जिनका अच्छा हो चुका है या हो गया है, लेकिन उनका प्राइस इंप्रूव नहीं हुआ है, उनपे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, राइट। सो दोस्तों, ये सब फंडामेंटल इंप्रूवमेंट वाली चीजें हैं। अब देखिए, यस बैंक रिवाइजेड इट्स FY22 ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया, राइट। इनको 15% का लोन ग्रोथ लेने की बात चल रही है, इनके एमडी सीईओ ने बोला हुआ था। तो अब फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है, देखिए, तो यही से गाइडेंस मैनेजमेंट का गाइडेंस काम आता है, राइट। यस बैंक का शेयर क्या कभी 50 रुपए उससे आगे निकल पाएगा? इसमें पूरा डिटेल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। अब देखिए, वोडाफोन, यस बैंक, सम अदानी ग्रुप स्टॉक्स एमंग टॉप पिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सो दोस्तों, ये सब बहुत सारी चीजें हुई हैं जो फंडामेंटल इंप्रूव ये हुआ है, राइट। और जैसे इनका डिपॉजिट ग्रोथ 55% का ग्रोथ हुआ है, सीएआर इंप्रूव हुआ है, राइट। इनका हर एक फंड पे, चाहे एनपीए भी इंप्रूव हुआ है, तो फंडामेंटल इंप्रूव हो चुका है लगभग, तो शेयर प्राइस कब इंप्रूव होगा? आज का दोस्तों यही टॉपिक है कि शेयर प्राइस कब इंप्रूव होगा, राइट। तो मैं अभी लगा के रखता हूं आपको शेयर प्राइस का। दोस्तों, 6 महीने की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए, ₹16.30 1 मार्च को शेयर था, और देखिए अभी कहां आ चुका है। शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में है, जबकि फंडामेंटल का ग्राफ ऐसे है और शेयर प्राइस का ग्राफ ऐसे, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये है फंडामेंटल ग्राफ, राइट, ये है प्राइस ग्राफ। तो जैसे जैसे फंडामेंटल इंप्रूव होता गया टाइम के हिसाब से, शेयर प्राइस गिरता गया। सो दोस्तों, ये कब ऐसा होगा कि शेयर प्राइस अब यहां से ऐसे होगा, राइट।
दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट, आपको लास्ट क्वार्टर रिजल्ट मालूम होगा कि इन्होंने कुछ अच्छा प्रॉफिट पेश किया था। अगर ये आगे आने वाला क्वार्टर, राइट, अभी जो अक्टूबर में इन्होंने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करना है, फिर ये दिसंबर लास्ट या जनवरी में करेंगे, राइट, अगर ये दो क्वार्टर अच्छा दे देता, अगर ये वाला क्वार्टर भी अच्छा देता, अच्छा का मतलब 500 करोड़ के आसपास, अच्छा का मतलब ये नहीं कि 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया और साल के अंत में जो है लॉस शो कर दिए। अगर ये देखिए Q3 में 500 करोड़ का प्रॉफिट दे दिए Q2 में, और Q3 में भी 500 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब एक कंटिन्यूअस क्वार्टर वाइज क्वार्टर अगर प्रॉफिट ये देते गए तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट का साइन देखने को मिलेगा इनके शेयर में। और कम से कम एक म्यूचुअल फंड का भी, बिजनेस में जो फंड मैनेजर है उनका भी कॉन्फिडेंस आएगा आगे आने वाले टाइम के लिए, राइट। तो शेयर प्राइस देखिए ये बढ़ रहा है, ये फंडामेंटल ऐसे है, तो शेयर प्राइस का ग्राफ ऐसे कब बढ़ेगा, जब Q2 जो अक्टूबर में रिजल्ट आएगा उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का एक लमसम प्रॉफिट पेश करें, Q3 जो जनवरी में आएगा उसमें भी लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लमसम पेश करें। तो ये दो क्वार्टर में अगर अच्छा प्रॉफिट पेश कर देते हैं दोस्तों, तो कोई डाउट नहीं कि शेयर यहां से दुगना ना हो, राइट। मैंने ऑलरेडी 27 रुपए का प्राइस दिया हुआ है दिसंबर 21 तक का, और मैं इस बात पे अडिग हूं, मेरा मानना है कि एक क्वार्टर और अच्छा आ जाए तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ये चल रहा है, राइट। यस बैंक का शेयर अपने बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है, 13 रुपए 14 रुपए का बुक वैल्यू है, 10 रुपए 95 पैसे 11 रुपए पे चल रहा है। सो दोस्तों, अगर इन टू कंटिन्यूअस क्वार्टर्स, इफ इट्स गिव्स प्रॉफिट अराउंड 500 करोड़, तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, शेयर यहां से डबल हो जाएगा 24-25 रुपए, और मेरा टारगेट है दिसंबर 21 तक का 27 रुपए का टारगेट है। सो दोस्तों, ये सब चीजें हैं आगे आने वाले दिनों के लिए। ये जैसे टॉपिक है कि फंडामेंटल इंप्रूव हो गया शेयर प्राइस, तो फंडामेंटल का 1 साल इंप्रूव हो चुका है, अब आगे आने वाला 1 साल शेयर प्राइस को इंप्रूव करेगा दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा होगा आगे आने वाले टाइम के लिए, बात समझ रहे हैं। तो ये फंडामेंटल भी इंप्रूव हो जाएगा और शेयर का प्राइस भी इंप्रूव हो जाएगा, तो शेयर का प्राइस आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट के चांसेज हैं, यहां से डबल होने के चांसेज हैं, और मेरा मानना है कि दिसंबर 21 तक ये 27 रुपए तक का हो जाएगा। सो दोस्तों, मैंने आपको चीजें बताई कि जैसे फंडामेंटल इंप्रूव हो चुका है, बहुत सारे पॉइंट्स बाय बताए मैंने, बहुत सारी चीजें बताई, चाहे लोन ग्रोथ तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन एक जो फंडामेंटल की बात होती है ना, कि जो कंपनी डूब चुकी थी उस हिसाब से खड़ी होने के लिए एकदम खड़ी हो चुकी है, हस्त पुष्ट हो चुकी, अब दौड़ना बाकी रह गया है, तो आगे आने वाला 1 साल में ये दौड़ेगी शेयर प्राइस के लिए। 27 रुपए का मेरा प्राइस है, 1 साल अगर आप वेट कर ले गए दोस्तों, इवन 6 महीने की बात बता रहा हूं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, यहां से शेयर दुगना हो जाएगा। आपने अभी तक कितना रोक लिया, तो अभी 6 महीने तो मिनिमम आपको और रुकना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।